लोभ का फंदा। एक धनी व्यक्ति दिन रात अपने व्यापारियों कामों में लगा रहता था। उसे अपने स्त्री बच्चों से बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। पड़ोस में ही एक मजदूर रहता था जो एक रुपया रोज कमा कर लाता और उसी से चैन की बंसी बजाता। रात को बोलता था उसके स्त्री बच्चे खूब प्रेम पूर्वक हंसते बोलते। सेठ की स्त्री यह देखकर मन ही मन बहुत दुखी होती कि हमसे तो यह मजदूर अच्छा है जो अपना गृहस्थ जीवन आनंद के साथ तो बिताता है। उससे अपना महादुख एक दिन सेठ जी से कहा कि इतनी धन दौलत से क्या फ़ायदा जिसमें फंसे रहकर जीवन के और सब आनंद छूट जाए। सेठ जी ने कहा, तुम कहती हो तो ठीक, पर लोभ का फंदा ऐसा ही है कि इसके फेर में जो फंसा जाता है उसे दिन रात पैसे की ही हाय लगी रहती है। यह लोभ का फंदा जिसके गले में एक बार पड़ा वह मुश्किल से ही निकल पाता है। यह मजदूर भी यदि पैसे के फेर में पड़ जाए तो इसकी ज़िंदगी भी मेरी ही जैसी नीरस हो जाएगी। सेठानी ने कहा, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा। उसने एक पोटली में 99 रुपये बांधकर मजदूर के घर में रात के समय फेंक दिए। सवेरे मजदूर उठा और पोटली आंगन में देखी तो खोला, देखा तो रुपया, बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री को बुलाया, रुपये गिने, 99 निकले। अब उनने विचार किया कि 1 रुपया कमाता था, उनमें से 8 आने खाए गए, 8 आने जमा किए, दूसरे दिन फिर 8 आने बचाए। अब उन रुपयों को और अधिक बढ़ाने को चस्का लगा। वे कम खाते, रात को भी अधिक काम करते ताकि जल्दी जल्दी अधिक पैसे बचे और वह रकम बढ़ती चली जाए। सेठानी अपने छत पर से उस नीची छत वाले मजदूर का सब हाल देखा करती। थोड़े दिनों में वह परिवार, जो पहले कुछ भी न होने पर भी बहुत आनंद का जीवन बिताता था, अब धन जोड़ने के चक्कर में 99 के फेर में पढ़कर अपनी सारी प्रसन्नता खो बैठा और दिन रात हाय हाय में बिताने लगा। तब सेठानी ने समझा कि जोड़ने और जमा करने की आकांक्षा ही ऐसी पिशाचिनी है जो मजदूर से लेकर सेठ तक की ज़िंदगी को व्यर्थ और भार रूप बना देती है।